सीजन मिठाइयों और नमकीन की बिक्री के जो इंडस्ट्री है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और शुरुआती रुझानों के मुताबिक 2022-23 में मिठाई और नमकीन का कुल कारोबार 1.25 लाख करोड़ तक का अभी तक हो चुका है। इटी नाउ स्वदेश से बात करते हुए फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स के डायरेक्टर जनरल फिरोज एच नकवी ने बताया कि इस बार रक्षाबंधन पर काफ़ी अच्छी बिक्री देखने को मिली है और उसके बाद दशहरा और दीपावली के लिए भी जो बिक्री को लेकर भरोसा बढ़ चुका है। आइए आपको सुनवा देते हैं उनका क्या कहना है। इस साल का त्योहारी सीजन बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि 2 साल बाद लोग कोरोना के साए से परे हर्षोल्लास के साथ सभी त्योहारों को मना रहे हैं। लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स की खरीदारी कर रहे हैं, सभी सेगमेंट में ज़्यादा बिक्री हो रही है। ऐसे में नमकीन और स्वीट्स सेगमेंट का क्या हाल है, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ने वाले हैं फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स के फिरोज नकवी। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि 2 साल बाद जिस तरह से लोग घर से बाहर निकले हैं, सभी त्योहारों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे में क्या डिमांड है स्वीट्स एंड नमकीन इंडस्ट्री में? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि 2 साल लगे लोगों को अपने घरों में बंद रहे और फेस्टिवल उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाए, तो एक अलग ही उत्साह है लोगों के अंदर जो इस बार वो निकल के बाहर आ रहा है और लोग निकल के पूरी तरह से अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं दूंगा, जो हमारा पहला फेस्टिवल था गणपति का फेस्टिवल जो था, उसमें पूरे भारत, पहले ऐसा होता था कि हम आंध्रा में या फिर हम तेलंगाना में या महाराष्ट्र में ही इसको देखते थे कि गणपति का फेस्टिवल मनाया जाता था, लेकिन इस बार पूरे भारत में, नॉर्थ इंडिया में, लखनऊ में, आगरा में इस तरह से सेलिब्रेट हुआ जैसे कि हम मुंबई में हों। क्या इस बार जो बिक्री है वो हाई पर रहने वाली है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से कम 15 से 20% की ग्रोथ होगी सेल के अंदर लास्ट ईयर से कंपेयर अगर हम करें। इस इंडस्ट्री में अगर कोई नया प्लेयर आता है तो उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई तो एक है ही, उसके अलावा कोरोना के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बदली है। देखिए, जब 2 साल का वक्त कोरोना आया और पूरी तरह से देश के अंदर सोच बदली लोगों की, कस्टमर के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया हाइजीन को लेके और फूड की सेफ्टी को लेके। उन्होंने घर बैठे ऑर्डर करना शुरू किया, उन्होंने पैक्ड प्रोडक्ट्स पे बहुत फोकस किया। ये सारी मिठाइयाँ पहले लूज़ आमतौर पर बिका करती थी, आज ये डब्बों में बिक रही हैं, तो इससे क्या हुआ कि कस्टमर का फेथ बढ़ गया, हाइजीनिक है, कोई किसी तरह की मच्छर या मक्खी या कोई भी चीज़ इसके ऊपर आ नहीं सकती, ब्रांडिंग अच्छी हो गई और शेल्फ लाइफ बढ़ गई। पिछले 2 सालों में जो नुकसान हुआ है इस इंडस्ट्री को, उसकी भरपाई क्या इस फेस्टिवल सीजन में हो पाएगी? बिल्कुल होगी। अगर हम टर्नओवर के हिसाब से अगर बात करें तो हमारा 2019 में दिवाली पे, यानी कि दिवाली वाले साल में जो मार्च में ख़त्म हुआ होगा 2020 में, हमारा लगभग 1 लाख करोड़ का टर्नओवर था, जो कि कोविड के टाइम पे वो घट के 60-70 हज़ार पे आ गया। और इस बार हमारी ऐसा अनुमान है, जिस तरह से गणपति से, जिस तरह से रक्षाबंधन से हमारी सेल इम्प्रूव होना शुरू हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लगभग 1.25 लाख करोड़ तक जाएगा इस बार, और ये हमारे लिए भी एक रिकॉर्ड होगा। इस त्योहारी सीज़न, चलिए कस्टमर्स से भी जानते हैं वो किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं त्योहारों को, आप किस तरह से इस बार सारे त्योहारों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं? मैम, ये बहुत अच्छा मौका है कि 2 साल बाद कोरोना ख़त्म हुआ है और दोबारा परिवार के साथ मिलने का अच्छा मौका मिलेगा, दोस्तों के पास जाने का मौका मिलेगा। 2 साल से घर के अंदर थे और पूरे प्रिकॉशन के साथ में रह रहे थे, अब जब हमको अच्छा सा सेलिब्रेट करने का मौका मिला है तो मिठाई, नमकीन इन सबके साथ करेंगे। आफ्टर कोरोना आई थिंक वी आर क्वाइट एक्साइटेड टू सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स फ्रॉम नवरात्रि टू दिवाली, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गिविंग स्वीट्स। And what's the best place? Haldiram's, yeah, that's why I've come to take. लॉकडाउन के बाद से कस्टमर्स बहुत हैप्पी हो गए हैं, और जैसे अभी गणपति गया, देन अभी नवरात्रि सीजन स्टार्ट हुआ, देन अभी दिवाली आएगा, तो पीपल आर वेरी एक्साइटेड टू हैव द स्वीट्स एंड नमकीन्स इन हल्दीराम। इस
सीजन में किस तरह की इस वक्त डिमांड सिनेरियो और कंज्यूमर सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है।